तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब द डार्लिंग प्रभास द डायनासोर जो भारी भरकम तबाही मचाते नजर आ रहा है भाई, अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकाउंटेबल, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में जो ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है भाई, नोटों की बारिश चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस में सिर्फ हल्के रुझान देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई पूरा छप्पर फाड़ के खजाना लुटाया जा रहा है। सालार मूवी के लिए भाई जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आज से असली अग्नि परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है जो बड़ी सी बड़ी मूवी को ढा देती है भाई। वर्किंग डे स्टार्ट हो चुके हैं, आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है। कैसे टिक पाएगी, क्या इस रेज को आज ये झेल पाएगी, नहीं झेल पाएगी, क्योंकि मंडे एंड ट्यूसडे अगर ये दो दिन मूवी ढंग से टिक जाती है वर्किंग डेज में, तो भाई उस मूवी की जो ग्रोथ है, वो जो मूवी होती है, एक प्रिडिक्शन हो जाता है कि ये लंबा टिकने वाली, इट मीन्स ये कि लंबी रेस की घोड़ा है ये भाई। तो देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है, कितना कमाई अभी तक कर चुकी है नॉर्थ इंडिया से एंड नेट इंडिया से, ओवरसीज से, पूरी दुनिया से, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में क्या हाल चल रहे हैं भाई, सभी चीज़ों पर गिर करके नज़र मारेंगे। आज के क्या रुझान है, मंडे कैसी हाल चल रहा है, क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। सालार का एक बिग अचीवमेंट क्रॉस कर लिया है, $5 million कंप्लीट कर लिए हैं इसने नॉर्थ अमेरिका से, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट है। बावजूद इसके एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम भाई, द डीसी की फेमस सेकंड सिक्वल जो एक्वामैन, जिसने ब्लॉकबस्टर कमाई करी थी, उसका सेकंड पार्ट चल रहा है और वो भी जबरदस्त तबाही मचा रहा है। बावजूद इसके इंडियन सिनेमा की कोई मूवी इतनी धड़ल्ले से कमाई करके ला रही है, साथ में डंकी जो है, डंकी मूवी भी जबरदस्त कमाई करके ला रही है। तो भाई इंडियन सिनेमा ना सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रह गया है। तो सब नज़र मारते हैं, पहले तीन दिन में ये मूवी कितना कमाई कर चुकी है भाई। नेट इंडिया से डे वन पर ये मूवी 90 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी डे वन से, एंड डे टू में नेट इंडिया से 56 करोड़ 35 लाख एंड डे थ्री से 64 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट, यानी कल एंड ऑफ द डे तक, कल संडे का अर्ली एस्टिमेट 64 करोड़ के आसपास आते नजर आ रहा है सिर्फ नेट इंडिया से, जो पूरा पहले तीन दिन का टोटल नेट इंडियन कलेक्शन बनता है 211 करोड़ 12 लाख के आसपास। देखा जाए तो भाई साहब 64 करोड़ कोई भी छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि सामने डंकी मूवी है, डंकी भी अच्छा खासा कलेक्शन खींच रही है। हाँ ये है कि हिंदी से जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था, हिंदी से जो कमाई सालार की होनी चाहिए थी, प्रभास की होनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है, क्योंकि भैया हिंदी में डंकी फाड़ रहा है और जबरदस्त तरीके से फाड़ रहा है। टोटल ग्रॉस कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक हो चुका था 251 करोड़ 80 लाख, ओवरसीज से कल एंड ऑफ द डे तक यानी पहले तीन दिन में 145 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी ये मूवी पूरी दुनिया से। ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 374 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन हो चुका था। तो भाई साहब ये अभी पूरा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि कल की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी मेकर्स की तरफ से, जो ये 374 करोड़ 80 लाख देखने को मिल रहा है, हू नोज ये आंकड़ा 385 करोड़ या 390 करोड़ या 380 करोड़ तो क्रॉस जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो भाई ये है तबाही पहले तीन दिन की, कल एंड ऑफ द डे तक की। तो यहाँ तक इस साल की ये मूवी पहले तीन दिन में ही नंबर वन ग्रॉसर बन रही है। पठान, जवान, लियो, जेलर भाई सबको खदेड़ चुकी है एक रास्ते से, एक लाइन से सबको रौंदते हुए चल रही है। जवान तो सिंगल रिलीज हुई थी, कोई कंपटीशन भी नहीं था, उसके बाद भी भाई ये मूवी सभी धज्जियाँ उड़ा रही है। मतलब पहले दो दिन में, पहले तीन दिन में फास्टेस्ट कलेक्शन के मामले में, ना कि सिर्फ नेट इंडिया से, ओवरसीज से, भाई फास्टेस्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में भी ये मूवी भाई सबकी धज्जियाँ उड़ाती जा रही है, बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यहाँ पर बात करें आज यानी डे फोर, यानी आज फर्स्ट मंडे वर्किंग डे की, तो भाई आज कैसे हाल है, आज भी जबरदस्त हाल देखने को मिल रहे हैं। लगभग में लगभग 45 से 48% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आ रही है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट को मिलाकर, जो अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इवनिंग एंड नाइट में कुछ एक जगह पर हाउसफुल शो चल रहे हैं, लेकिन भाई जबरदस्त है। डे फोर पे ही आज भी जबरदस्त कमाई देखने को मिली, टोटल एडवांस बुकिंग 15 करोड़ के आसपास ये लोग ले चुके हैं डे फोर के लिए, जिसमें तेलुगु का मेजर रीजन है 9 करोड़ 90 लाख एंड हिंदी से भाई 75 लाख का कलेक्शन आ रहा है भाई। डंकी मूवी भी चल रही है, लेकिन वर्किंग डेज में यही होता है भाई, वर्किंग डेज में ग्रोथ डाउन हो जाती है। फिर भी देखा जाए तो आज नेट इंडिया से अर्ली प्रिडिक्शन क्या आ रहा है, अर्ली एस्टिमेट आ रहा है लगभग में लगभग 40 से 42 करोड़ सिर्फ नेट इंडिया से ठोंक के मारेगी, जिसमें मेजर पार्ट तेलुगु से ही रहने वाला है। ग्रॉस कलेक्शन लगभग में लगभग 48 करोड़ के आसपास आते नजर आ रहा है एंड ऑफ द डे तक, ओवरसीज से 25 से 27 करोड़ के आसपास ये मूवी
ओवरसीज से कमाई करते नजर आ रही है। और पूरी दुनिया से, मतलब पूरी दुनिया से 73 से 75 करोड़ के आंकड़े के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, जो जबरदस्त है। देखा जाए तो भाई डे वन, मतलब वर्किंग डेज का जो डे वन है, वो अच्छी तरीके से इस रेस को झेल पा रही है ये मूवी है भाई, क्योंकि वर्किंग डेज आते ही बहुत सी मूवी की धज्जियाँ उड़ जाती है। सैटरडे संडे तो भाई सभी लोग कमाई कर लेते हैं, लेकिन असली जो औकात होती है मूवी की भाई, वो वर्किंग डेज ही बताते हैं। जो वर्किंग डेज में कॉन्स्टेंटली टिक गया, लाइक जवान भाई, जवान ने जो वर्किंग डेज में भी कमाई करी थी ना, दैट्स वाई कि उसकी जो इनकम है 1130 या 1150 करोड़ के आसपास पहुंची है। यही चीज है भाई सलार में भी देखने को मिल गई, तो भाई ये मूवी भी 1000 करोड़ इजली टच करके जाएगी। तो पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक भाई 400 करोड़ के कलम में एंट्री मार लेगी भाई। ये चीज बिल्कुल गलत कहने वाली नहीं होगी कि 4 दिन में 400 करोड़, हो सकता है कल 5वें दिन में 500 करोड़ हो जाए, लेकिन भाई दिस इज ऑसम। मतलब सालार से जो एक्सपेक्टेशन थी, सालार जो ब्लॉकबस्टर मूवी प्रॉमिस करी जा रही थी प्रशांत नील के द्वारा, उन्होंने अपना काम कर दिया। बात अब सिर्फ जनता की है, जनता कितना प्यार देती है भाई, जनता फाड़ के प्यार दे रही है। 4 दिन में 400 करोड़ कंप्लीट करना भाई हलवा हो गया है आजकल की मूवी के लिए, खासकर 2023 में भाई इंडियन सिनेमा में हमने ऐसे मंजर नहीं देखे। 3 दिन में 300 करोड़, 4 दिन में 400 करोड़, 5 दिन में 500 करोड़ भाई जवान ने करे थे, 5 दिन में 500 करोड़ सालार करती है नहीं करती वो देखा जाएगा। तो आप लोग क्या राय है कि मूवी पहले हफ्ते में यानी पहले 7 दिन में ही क्या 600 करोड़ भी टच कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, और लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होने वाला है भाई? मैं मान के चल रहा हूँ 700 से 800 करोड़ के बीच में ये मूवी एग्जिस्ट कर जाएगी। एनिमल के रिकॉर्ड को ये तोड़ पाएगी जो 800 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, जवान के रिकॉर्ड को ये तोड़ पाएगी जो 1150 करोड़ में बैठी है, क्या पठान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी जो 1000 करोड़ से ऊपर के आंकड़े में बैठी पड़ी है? आपकी क्या राय है? दूसरा, मूवी देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नीचे कमेंट बॉक्स हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना। अगली वीडियो में जय हिंद।